हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तनवीर फ्रॉम विग ऑटो एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। ग्रे ब्यूटी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कार में जो इंटीरियर वर्क हमने किया है ना, दिल छू लेगा आप लोगों का। ये कार में द वी स्पोर्ट्स एडिशन सीट कवर चेरी एंड ब्लैक कलर के हमने इंस्टॉल किए हैं। जस्ट सी द फिटमेंट फिनिश एंड द बकेट्स जो हमें मिल रहे हैं। बकेट के साथ साथ जो हमें पैडिंग चाहिए, कुशन चाहिए, एकदम प्रॉपर विद द पैडिंग विद द रिंकल्स आपको परफेक्टली पूरे मिलेंगे। लेकिन जो बेज कलर के इंटीरियर के साथ जो चेरी का लुक आता है ना दोस्तों, इट्स समथिंग अमेजिंग। चारों डोर्स में लेदर पैडिंग वर्क किए हैं। लेदर पैडिंग की भी फिटमेंट एंड द फिनिशिंग वर्क आप देखिए, स्टिचिंग विद द पैडिंग एरिया के साथ फिटमेंट एंड द फिनिश जिसके लिए हम जाने जाते हैं। सेट ऑफ 10 पीसेस की द कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट की किट हमने इंस्टॉल की हुई है। लेकिन फिर भी बोलूँगा दोस्तों, जस्ट सी द फिटिंग एंड द फिनिशिंग ऑफ द स्टेयरिंग कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट अप डाउन एंड ऑल द थ्री साइड्स विद द चेरी लेदर। साइड में हमने ब्लैक नहीं किया हुआ है, चेरी लेदर हमने स्टेयरिंग रैप किया हुआ है। तो दोस्तों आज भी बताना कि स्टेयरिंग का कॉन्सेप्ट और ये जो सीट कवर का कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगा है। लेकिन एक सेंटर पैनल की आप फिनिशिंग देख सकते हैं एंड द लेफ्ट डोर की जो डोर की पैडिंग है और कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट जो थीम है हमारी, इज समथिंग अमेजिंग। ये हमने ओरिजिनल जेन्यून ZXI प्लस का आमरेस इंस्टॉल किया हुआ है। ये कोई आफ्टर मार्केट आमरेस नहीं है और मैं आप लोगों को डेफिनेटली दोस्तों जेन्यून चीज़ ही सजेस्ट करूँगा। जो घेर के जो कवर्स हैं, टू टोन हमने रैपिंग की हुई है इसके अंदर। लेकिन स्टेयरिंग पे है ना दोस्तों, ये बार तो चेरी विद ब्लैक के साथ दिल आ गया है। और जो अल्ट्रा HD कैमरा नाइट मोड का टाइम है, एक कैमरे की भी आप क्लियरिटी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये कार का कॉन्सेप्ट था एक, कैसे जो सीट है सेम कलर की हमने मैट्स इंस्टॉल की हुई है, द डायमंड स्टिच मैट्स ब्लैक विद द चेरी बॉर्डर के साथ, जो एक कार के इंटीरियर को एनहेंस करती है। एक जो लग्जरी कॉन्सेप्ट का हमें एक थीम देना था कार में। द रियर डोर्स की लेदर पैडिंग आप देख सकते हैं, कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट की थीम देख सकते हैं। एंड जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर एंड द मैट्स। ये कार में हमने लैमिनेशन किया ही नहीं है, लेकिन एक एक जस्ट द वेलक्रो अपहोल्ड्स के साथ आते हैं। कुछ भी डस्ट आया निकाला, साफ किया, वापस रख दिया। और क्रॉस स्टिचिंग की फिटमेंट आप देख सकते हैं मैट्स की, सीट के नीचे तक प्रॉपरली फिट होती है। लैमिनेशन वगैरह हमको करना ही नहीं था ये कार के अंदर। एल्यूमिनेटेड कफ प्लेट्स चारों डोर्स में फुल वाली हमने इंस्टॉल की हुई है। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में 15 इंचेस के अलॉय व्हील हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। साइड में जेन्युइन मोल्डिंग ब्लैक विद द क्रोम के साथ है। डोर वाइजर, लोअर विंडो गार्निश एंड द गो फार का कैरियर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे कैरियर चाहिए, तो वो हिसाब से हमने इनको सेम कलर का सजेस्ट किया। फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में कोई गार्ड, कोई डिफ्यूज़र, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है। एक एलिगेंट लुक मुझे देना था कार में, तो किस तरीके से एक एस्थेटिक सिंपल सोबर एलिगेंट लुक आता है वो आप लोगों को बताना था। हेडलाइट की DRL इंस्टॉल की हुई है। प्रो 7 के प्रोजेक्टर्स हमने ये कार में इंस्टॉल किए हुए हैं। एक प्रो 7 के प्रोजेक्टर का नाइट मोड के टाइम पे एक फ्लो आप देख सकते हैं लाइट का, कि कितनी बेहतरीन लाइट इफेक्ट है। और लो बीम हाई बीम बंद है। लो बीम हाई बीम में हमने हाई पावर प्रो 7 की LEDs इंस्टॉल की हुई है। HID का कॉन्सेप्ट नहीं रखा हुआ है। लेकिन इंटीरियर आप लोगों के सामने है, साइड प्रोफाइल आप लोगों के सामने है। ये कार में हमने ऑटोमेटिक ORVM मिरर्स विद द विंडो अपहोल्ड्स के साथ इंस्टॉल किए हैं। जैसे अगर मैं कार के बाहर आता हूँ, मैं लॉक करता हूँ, मिरर तो मेरे लॉक हो जाएंगे, लेकिन बाय चांस एक आधी विंडो भी खुली रह जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिरर मेरे लॉक हो गए, विंडोज़ 1x1
ऑटोमेटिकली अपहोल्ड हो जाएंगे। एक भी विंडो बाय चांस खुली रह जाती है तो अपने आप ऊपर चली जाएगी। बहुत सुंदर लग रहा है इंटीरियर इसका, ज़्यादा नहीं हमने ना कोई डैशबोर्ड रैप किया है ना पिलर मैंने रैप किया हुआ है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन था आपके सामने कि एक तरीका क्या है लगाने का सीट कवर का, फिनिशिंग वर्क पे हम कितना ध्यान देते हैं, तो वो सब आप लोगों को बताना था। ओनर ऑफ द एटिका मैग्मा ग्रे मिस्टर मंगेश सर फ्रॉम पुणे, पुणे से आए हुए हैं। सर से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, लेकिन ये पूरी कार इनकी अपग्रेड हमने 2.5 घंटे के अंदर की है। टीम क्या है हमारी, लेबर कुछ बोल ही नहीं सकते टीम के ऊपर, हार्ड वर्क। कैसा लगा सर? एकदम मतलब जितना सोचा था उससे बेहतर, मतलब कभी देखा भी नहीं ऐसी चीज दी है तनवीर भाई। यही चीज चाहिए सर, बहुत टाइम से हमें फॉलो कर रहे थे और दिल था सर की कार में कुछ एक्सक्लूसिव करना था, सीट कवर से लेके स्टेयरिंग तक सब किया है, लेकिन आज ये भी बता दिया मैंने बिना आउटर डिफ्यूजर, बिना ना हमने डिफ्यूजर लगाया ना स्कर्टिंग लगाया ना ये लगाया, लेकिन कार को एक एनहांस लुक कैसे दिया जाता है वो आज आपकी कार में हमने प्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, ये मौका मुझे दिया हुआ है, और आप लोग सब लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सर जी? अपेक्षा चांगल काम झाले। वो सर का जो डायलॉग है ना दिल से, वो भी पता चला कि कैसा है वो दिल से पूरा काम। कौन सा दिल है तनवीर भाई के पास वो आज पता चला क्योंकि मैं जैसे वीडियोस भी आप देख के, मैं ऐसा नहीं है कि वीडियो तक वो चीज सीमित है, मेरा दिल होता है ना जिस टाइम का अपग्रेड करने का, तो फिर मैं आगे पीछे नहीं देखता हूँ। मेरा एक ही है, जब आप गाड़ी लेके जाओगे ना तो आपके साथ साथ मेरा भी नाम निकलता है कि गाड़ी आपने कहाँ से बना के आई हुई है। तो वैसे भी आप पुणे के हो, गाड़ी हैदराबाद से आपने लेके आए हुए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और हैदराबाद में बहुत फैन फॉलोइंग है। जो प्यार मुझे हैदराबाद और आंध्र प्रदेश ने क्रेटा एटिका के लिए दिया हुआ है वो तो अल्टीमेट है, लेकिन जय महाराष्ट्र, आमची महाराष्ट्राची कार आ गई, जय महाराष्ट्र। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ड्राइव सेफली, एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।